हम लोग बातल चाचा चाची के ढाबे के पास, और यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है और हवा ठंडी है। ये लो जी, अभी हम लोग पहुँच गए हैं चंद्रताल। यहाँ पे ये टेंट, या तो हम इनमें से भी ले सकते हैं कोई भी टेंट, और या तो हम अपना टेंट भी लगा लेंगे। तो पहले कैंप, और इसमें बैठे हुए हैं हमारे यात्री। एक को चक्कर आ रहे हैं भाई, थोड़ा थोड़ा। एक छोटा चुपकू है बैठा हुआ है, चुपकू। The next day, good morning guys। तो ये है next day। रात हम सो गए थे, थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे कुछ व्लॉग व्लॉग कर नहीं पाए, बीमार हो गया था मैं। मेरे को थोड़ा सा ना बुखार हो गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गाड़ी में बैठो तो ऐसा लग रहा है गर्मी हो रही है, बाहर निकलो तो ऐसा हो रहा है ठंड एकदम। तो ठंड लग गई थी, और थोड़ा यहाँ पे ना ऑक्सीजन का भी है प्रॉब्लम। कल रात को हम चेक कर रहे थे कितना आ रहा था ऑक्सीजन हमारा, 65 to 70। मतलब पंचुल का भी इतना आ रहा था, मेरा भी इतना ही आ रहा था, और हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा आ रही, तो इसलिए बड़ा डर डर के सोए हम। इस वाले टेंट में मैं और प्रियंका सोए थे, हमने दो दो तीन तीन गद्दे वगैरह ले लिए। पंचुल अभी सो ही रहा है, और बाकी मीनू और शुभम ये सामने बीच वाला टेंट था इसमें है। तो चलो अब एक बार ब्रश वगैरह हो जाते हैं, ब्रश वगैरह तो मैंने कर लिया है, उसके बाद चलते हैं चंद्रताल। प्रियंका भी रही है बैठी, और धूप आ गया बिल्कुल हमारे उस पर ना। लो ये करिए, पहले मैं चाय पीऊँगी फिर मैं उठूँगी। और पूरी रात बारिश होती रही, टेंट हमारा अभी भी गीला हो रखा है, पर ये शुक्र है कि टेंट ने साथ दिया और अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं आया। ये है शुभम और मीनू का रूम, पर इनका भी सही था, और ठंड वगैरह लगी नहीं इन्हें भी, पर ऑक्सीजन की कमी इन्हें भी लगी है ना। ये है पूरा कैंप साइट, वैसे तो मैंने आपको रात को भी दिखाया था। और इस साइड पे है किचन, और यहाँ पे है डाइनिंग एरिया, ये वाला। यहाँ पे जो भी इनका खाना बनता है वो होता है पर हेड 300 रुपीज़, और टी और गर्म पानी ये तो चलो अनलिमिटेड है, आप जितना भी पी सकते हो। और ब्रेकफास्ट अभी में पूरी एंड इसमें क्या है, इसमें पूरी है, एंड इसमें इसमें आलू की सब्ज़ी है, ये 200 रुपीज़ पर पर्सन है। मैं अपना ऑक्सीजन चेक करता हूँ, दबाओ इस टाइम पे कितना 85 आ रहा ना अभी, हाँ, ना 83 है ऑक्सीजन, और 87 मेरी हार्ट बीट आ रही है अभी, और अभी फिर भी ज़्यादा आ रहा है, रात को 67 हो रहा था, 92 हाँ अभी 92 के करीब आ गया है। अभी हम लोग चलने के लिए तैयार हो गए हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई भैया। मैंने बहुत सेल्फी मारी, रात को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से मैंने रात को इसको स्टार्ट नहीं किया, और सुबह बिल्कुल ठंडी हो गई थी। रात यहाँ पे 1 डिग्री -1 डिग्री के करीब टेम्परेचर चला गया था, फिर हमने थोड़ी देर इसको ऑन ऑफ किया, और तो अभी लास्ट आधे घंटे से मैंने इसको स्टार्ट करके रखा हुआ है। ये थी कैंपिंग साइट, और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और ये जस्ट चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री होगी हमारी, और ये जो सामने बैठे हुए हैं ना ये एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ से ऊपर 2 किलोमीटर का रास्ता है अभी, और फिर 500 मीटर अराउंड वॉक करके जाना। और यहाँ पे ऐसा है कि सिर्फ बोलने भर में भी सांस चढ़ने लग जा रही है, चलना फिरना तो अलग बात है। आज जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत दूर से भाग के आऊँगा, इतनी सांस चढ़ गई। लो जी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं हम, 1 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है हमने। लो जी आफ्टर ऑल इतनी मशक्क़त के बाद हम लोग पहुँच गए हैं चंद्रताल की पार्किंग में। ये है पार्किंग, और यहाँ से पैदल रास्ता शुरू होता है। सभी आगंतुकों को सूचित किया जाता है कि इस पार्किंग स्थल से आगे तंबू गाड़ना वर्जित है, उल्लंघन करने वाले को दंड किया जाएगा। पंचल इज लाइक सेलिब्रिटी हेयर, सब लोग उसको देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा ट्रैक करके चंद्रताल आ गया। ये देखो जी, ये है फर्स्ट व्यू जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, चंद्रताल लेक। ये है चंद्रभागा रिवर, जिसका ओरिजिन होता है चंद्रताल से, और चंद्रताल में जो पानी आता है वो ऊपर वाले ग्लेशियर से आता है।
तो जैसे ही ग्लेशियर से पानी चंद्रताल में आता है और फिर वहाँ से ओवरफ्लो होके पानी ये निकलता है और जाके जुड़ता है चिनाब में। और इस पानी, ये पानी इतना साफ़ है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो तली के पत्थर भी दिख रहे हैं। ये लेक का पानी ना एकदम क्लियर है और पीने लायक भी है बस। बट यहाँ से देखो पानी स्टार्ट हो गया है, जस्ट यहाँ से शुरू हो गया, पता भी नहीं लग रहा है कि पानी आ गया। ये देखो ये हौली हौली ना गहरा होता जा रहा है और जहाँ से दिखना बंद हो रहा है वहाँ एकदम से ज़्यादा गहरा है, बट पानी एकदम क्लियर है। यहाँ पर हमने 10-15 मिनट बिताए, बट यहाँ पर वही है कि ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो चलने फिरने बोलने सब चीज़ों में दिक्कत हो रही है, तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं एक्टिविटी ज़्यादा। कुछ एक फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई हमने यहाँ से और अब चल पड़ते हैं। वैसे तो ऐसी जगह है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, एक जगह पे बैठ जाओ, हल्की हल्की धूप हो रही है, ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल भी, बट जाना तो ही है। इस व्यू के लिए मैं पूरी पहाड़ी चढ़ के आया हूँ, देखो सामने वो मिरर इफेक्ट बन रहा है। चलते हैं अब वापस से गाड़ी की ओर, पार्किंग की तरफ, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। जिस पहाड़ पे हम चल रहे हैं वहाँ छाया है और सामने धूप, इस पहाड़ पे भी हल्की हल्की छाया हो रखी है। अभी हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से नीचे को, पहले कैंप साइट आएगी और फिर उसके बाद वही 9-10 किलोमीटर का रास्ता होगा जो थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, बीच में दो बॉर्डर क्रॉसिंगें भी आएंगी जो थोड़ा चैलेंजिंग रहेंगी, उसके बाद रास्ता थोड़ा ठीक है। लो जी हम लोग आ गए हैं वापस से चेकिंग वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हमारी एंट्री भी थी, गाड़ी का नंबर, कौन सी गाड़ी है, कितने लोग हैं, कहाँ से आए हो और किधर को जाओगे, ये सब पूछा था। यहाँ पे हो रहे हैं पूरे 97 किलोमीटर मतलब मेरी गाड़ी में। हम लोग देखते हैं कि इस कैंप साइट से मेन रोड कितना दूर है जहाँ से हमने लॉसर की तरफ को जाना है। पहले अभी हम आ गए हैं जो कैंप साइट 2 है, एक ये एरिया है कैंप साइट का और एक बिल्कुल जस्ट चेक पॉइंट के पास है। अब इसके बाद थोड़ा रास्ता अब हमें ढंग का मिलेगा, वरना तो ऐसे रास्ते थे कि गाड़ी भड़म 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 नीचे से लगी जा रही है। लो जी फिर से भेड़े मिल गया, ये वही भेड़े हैं जो हमें कल मिली थी। लो जी चली गई लास्ट भेड़ भी, अब हम भी चल पड़ते हैं। यहाँ सेकेंड वाटर क्रॉसिंग भी कर ली, अब एटलीस्ट वाटर क्रॉसिंग नहीं है, पर यहाँ पे ये झरना दिखाता हूँ आपको कितना भयंकर है। ये देखो ये सामने से आ रहा है और ये पूरा यहाँ से वहाँ तक है, और कल हमने इसको क्रॉस किया था जब बारिश हो रही थी, तो यहाँ से गाड़ी के फिसलने का डर था, पर लकीली हम लोग निकल गए थे इजीली। ये दोनों लड़ते लड़ते आ रहे हैं, ऐसा पानी था पानी इतना ठंडा है कि ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने हजारों सुइयां जो छुपा दी होंगी। ये दोनों भाई बहन ना पूरे ट्रिप में लड़ते लड़ते आए हैं, ना ये मुझसे लड़ी है ना वो मुझसे लड़ा है, ये दोनों आपस में ही लड़े हैं। ये लो जी अभी हम आ गए हैं बिल्कुल ऊपर, यहाँ से अब हम लोग मेन हाईवे पे जुड़ जाएंगे। हाईवे का तो ऐसा ही, बट ये था कि कल रात हम यहाँ से नीचे को उतरे थे, जो ये सामने रोड जा रहा है बिल्कुल सामने जो दिख रहा है ये जा रहा है काजा को, और यहाँ से नीचे जहाँ को ये बाइक गई वो जा रही है मनाली को। भैया बहुत खराब रास्ता है, पहले गियर पे चल रही है उसमें भी जोर नहीं मार पा रही है गाड़ी, इतना ज़्यादा ऐसे चढ़ाई है। तो जो भी आए आराम से आए, देख के चलाए। लो जी अभी हम लोग आ गए हैं कुंजुम पास, और ये पास हमारी इस ट्रिप का सबसे हाईएस्ट पास है, यहाँ ज़्यादा रुकने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एलिवेशन पे हैं। लो जी अभी हम आ गए हैं कुंजुम माता कमेटी में, आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये है गेट, सामने कुंजुम माता मंदिर है। अब
हुआ है कुंजम पास, और हम हैं अभी 4590 मीटर की हाइट पे। काजा यहाँ से 78 है, लॉसर 79 किलोमीटर्स। ये हम चल रहे हैं अभी कुंजम पास माता जी की परिक्रमा करने के लिए। हम वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि इस टाइम पे हम है 15,000 की हाइट पे सी लेवल से, ऑलमोस्ट हिमालय की हाफ हाइट पे। और बाहर निकलते सिर दर्द, बाहर सिर दर्द तो हो ही रहा है, चलने बोलने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ना कुछ आज चल रहा है, बहुत सारे लामाज आ रखे हैं और उन्होंने पूजा करी कोई यहाँ पे अभी। वैसे तो हमने उतरना नहीं था, पर यहाँ पे ना गाड़ियों का जाम लगा हुआ है क्योंकि आज यहाँ पे कोई पूजा वगैरह शायद हुई होगी, जो मैंने आपको बताया अभी कि लामाज हैं यहाँ पे बहुत सारे ये सामने। तो अभी ये जब गाड़ियाँ निकलेंगी फिर ही हमारी गाड़ी आएगी। ये है सामने मंदिर, निकल रहे हैं वैसे तो, ये देखो सामने कौन आए हैं इस चीज का बाद में ही पता लग पाएगा हमें। यहाँ पूजा भी हो गया, ठीक है देखो, और यहाँ ये सब लोगों ने पूजा की होगी। यहाँ रुके हुए थे हम अभी, और ये लामाज जो भी आए थे, इनके पुजारी या जो भी होते होंगे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर जो भी थे वो बहुत रिस्पेक्ट फुल्ली उनको विदा किया इन्होंने। तो अभी हम लोग कर रहे हैं कुंजम पास मंदिर की परिक्रमा। अरे यार फिर गड़िया नहीं नहीं, अब हमारे लिए रास्ता खुला है। ये लेफ्ट साइड पे छोटी सी पार्किंग है और यहाँ से अभी हम जाएंगे वापस से अपने रोड पे। जय भगवान जी, हमारे को शक्ति देना ताकि हम लोग ये रोड अच्छे से पार कर लें, और अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखना, सभी पर बनाए रखना जो भी आपके पास यहाँ पे आता है। अब यहाँ से हम आए थे राइट से, अब हम जा रहे हैं लेफ्ट को, लॉसर की तरफ को। यह है कुंजम पास से आगे का रास्ता, अभी भी उबड़ खाबड़ी है, बट थोड़ा ये है कि बड़े बड़े पत्थर नहीं है रास्ते में, छोटे छोटे पत्थर हैं, तो गाड़ी नीचे नहीं लग रही है, बस इतना ही डिफरेंस है। रेस्ट सड़क सेम है और थोड़ा सा चौड़ा है पिछले वाले रास्ते से कम पास देने के लिए साइडों में नहीं लगानी पड़ रही है गाड़ी। बाकी आगे देखते हैं कैसा होता है रास्ता। ये देखो सामने इनो, पीछे से स्पीड में आना चाहिए इसको, कितना जोर लगाना पड़ रहा है, आ नहीं पा रही है वो। और वो जब पीछे से जोर लगा के आएगी ना, ये रही सामने, किसी टाइम में ये नदी पूरी भरेगी तब जाके। अरे ये चंडीगढ़ का ये बंदा है यार, तभी नहीं चढ़ रही, ये ऐसा यहाँ पे कर रहा तो आगे क्या करेगा। नहीं इनोवा है, और अभी तो कुछ भी नहीं है एलिवेशन, अभी तो ऐसा आएगा बिल्कुल, मतलब 30 डिग्री का होता ना स्लोप, साइड में लगाया मैं अंदर। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, लो जी आ गया आ गया। यहाँ के पहाड़ थोड़े से अलग से है ना, मिट्टी वाले हैं भैया। यहाँ पे एटलीस्ट ये तो है कि इन्होंने सड़क बनानी शुरू कर दी है, अब ये नहीं पता कि सड़क कब बनेगी क्योंकि नीचे ना बजरी बिछा दी है। और क्या भैया मैंने तारीफ करी तो खत्म है, पीछे तक तो जो थी भाई वहाँ पे तो था पूरा, मतलब सड़क बना रहे हैं, हो सकता है पता नहीं कितने टाइम में बन जाए आगे सड़क। और एक और ये वाटर क्रॉसिंग आ गई, चढ़ गए। पता नहीं कैमरे में देखने में खतरनाक लग भी रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा ना, पर रियल में है। ये रोड इतनी भी माड़ी नहीं है, यहाँ पे तीसरा गियर भी डल रहा है और गाड़ी 40 पे चलो थोड़ा थोड़ा टच कर जा रही है, पास भी चली जा रहा है। यहाँ से पुल है क्या फिर से एक टाइम, और ये चल कम से कम शुगर पुल बना रखा है, बॉर्डर क्रॉसिंग तो नहीं होगी। और थैंक यू भगवान, ये मेरे को तो ऐसा लग रहा है वो बंदा पुल पे उस पे खड़ा, नहीं नहीं पुल भाई बंदा है, ये वाटर क्रॉसिंग, एक और वाटर क्रॉसिंग है, और ये थोड़ी खतरनाक सी लग रही है। आगे एक वेन्यू फंस गई है और है भी चंडीगढ़ की गाड़ी, ये तो निकल गई, अब हमें निकलना है। एकदम नीचे को ढलान है, बहुत ज्यादा नीचे, बिल्कुल ब्रेक पे चल रही है गाड़ी,
रेस तो दूर की बात है। भाई हम आ गए हैं बिल्कुल पहाड़ की तलहटी पे। क्या मस्त व्यू आ रहा है यार, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर। मैं नहीं चलाऊंगा, सड़क आ गई, मैं नहीं चलाऊंगा भाई, मैं सड़क पे ऐसे नहीं चढ़ूंगा, पहले मैं पीछे जाऊंगा। प्रियंका ने कहा है प्रियंका सड़क को मत्था टेकेगी। चल जा भाई भाई। तो यार ये ना मुकर रही है, देखो अभी आ गया, छूकर आ जाओ। ये लो जी सड़क के हुए दर्शन, इतनी खुशी थी, उसके बाद फिर से सड़क आ गई है। अब ये देखना है वो खुशी वापस कब लौटेगी। वाह नीचे घास का मैदान कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना सुंदर लग रहा है। अब मैदान आने लग गया, अब यहाँ पे भाई हम जो आ रहे रोकना बनता है। ये दाल मखनी भी लेके आए थे और राइस भी लेके आए थे, पर फिर हमने अभी मैगी ही खाने का सोचा, क्योंकि इसको बनाते तो और ज़्यादा टाइम लग जाता, हमारे पास पानी की भी कमी हो रही थी। अब तो अभी आगे जाके हमने पानी भरना, क्योंकि मस्ती चल रही है, पंचुल का बंक बेड बन रहा है। अभी हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट, पता नहीं ये ब्रेकफास्ट था कि लंच था। मैगी हमने खाई, हमने कॉफ़ी पी और पीछे का नज़ारा बहुत अच्छा है। अभी हम लोग यहाँ से जाने लग रहे हैं, सारी पैकिंग हो गई है और जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे गंद फैलाया था वो सारा हमने साफ कर दिया है और इस पैकेट में डाल दिया है। हमें जगह जैसी मिली थी हम वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं, पूरे घास लगा हुआ है। हम बैठे थे यहाँ पे, साफ कर दिया हमने सारा, अभी इनका फोटो सेशन चल रहा है और सामने पहाड़, पहाड़ों को देख के ही रुके थे हम लोग, बिल्कुल पेंटिंग वाले पहाड़ हैं।